नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर एंड वास्तु टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शनि अमावस्या पर चढ़ाएं 5 तरह की मिठाई और पान, आए हर समस्या का समाधान। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। ज्योतिष तंत्र मंत्र रिलेटेड वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने। दोस्तों, दिनांक 17 मार्च 2018 को पुण्यदायिनी अमावस्या आ रही है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में शनिवार को आने वाला यह अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या कहलाएगा। यह दिन पितरों को प्रसन्न करने तथा जीवन के सभी संकटों का नाश करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। यह दिन शनि भक्तों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। शनि अमावस्या शास्त्रों में बड़ा पवित्र दिन माना गया है। इस दिन यूं तो तेल से बनी सामग्री शनि देव को अर्पित की जाती है, लेकिन अगर आप 5 मिठाइयों का यह उपाय करें तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं शनि अमावस्या के दिन किसी भी समस्याओं का समाधान पाने का यह अचूक उपाय के बारे में। शनि अमावस्या के दिन पीपल के जड़ के पास तिल व गुड़ से मिश्रित जल प्रवाहित करें और पीपल के गिरे हुए 5 पत्ते लेकर पानी से साफ कर लें। अब 5 अलग-अलग प्रकार की मिठाइयाँ अलग-अलग पत्तों पर रखकर दीपक जला लें और साथ ही एक पान का बीड़ा खोलकर रख दें। इसके पश्चात पीपल की 7 परिक्रमा करें और मिठाई व पान वहीं रखकर घर वापस आ जाएं। दोस्तों, 5 मिठाइयाँ कौन सी हैं? इस प्रकार हैं: इमरती, जलेबी, गुलगुले, मालपुआ व पेठा। साथ ही पान कैसा होना चाहिए? दोस्तों, देवता को अर्पित करने के लिए जो पान का बीड़ा बनाया जाता है वह मीठा शाही पान होना चाहिए, जिसमें खोपड़ा, गुलकंद जैसी चीजें हों, लेकिन तंबाकू और दूसरी सुगंधित सामग्री न हो। दोस्तों, इस प्रकार शनि अमावस्या के दिन इस अचूक टोटके को अपनाकर आप अपने बड़ी से बड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।